चीट इंडिया फिल्म अभी अभी आपने देखी, कैसी लगी? व्हाई चीट इंडिया फिल्म एक अच्छी फिल्म है, एजुकेशन सिस्टम पर टोटली बेस है. हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना करप्ट है. इनफैक्ट लाइक इमरान हाशमी में इस तरह का कैरेक्टर है कि जहाँ पर वो एक कॉन मैन की तरह बताया गया है कि पेपर लीक कैसे करना, फेक सर्टिफिकेट्स कैसे बनाना, लोगों को एग्ज़ाम पास करना है तो पेपर लीक करके, उस तरह के एक्चुअली उनका काम है. और जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं तो प्रॉक्सी किस तरह से एक्चुअली यू नो, किसी ऐसे पैसे वाले बच्चे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं होते मगर उनको डिग्रीज चाहिए रहती है, तो वो उनके उनके बदले एक्चुअली दूसरे लोग, दूसरे बच्चे जो ब्राइट स्टूडेंट होते वो कैसे उनके लिए पेपर देते हैं और उनके लिए जो सर्टिफिकेट्स है वो हासिल करते हैं. तो ये पूरा जो स्कैम चलता है उसी के बारे में बताया. छोटे छोटे जो शहर होते हैं एक्चुअली, जैसे कोटा बताया, झांसी बताई है, लखनऊ है, वहाँ पर जो ज़्यादातर जो पेरेंट्स का एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं, पेरेंट्स भी जो होते हैं बहुत ही एक दबाव लाते हैं बच्चों पर कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसके लिए आप मेहनत कीजिए, ये है. तो वो एक जो प्रेशर बना रहता है, तो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो बच्चे लोग जो प्रेशर फील कर रहे हैं वो एक्चुअली इस फिल्म में बताया गया है और काफ़ी अच्छी तरीके से लाइक इट हैज बीन प्रेजेंटेड. इमरान हाशमी ऑलवेज बहुत अच्छे हैं एक्चुअली, उन्होंने अपने एक अलग किरदार में हुए हैं, सॉफ्ट है, सटल है अपने एक, लेकिन उनकी जो एक स्टाइल है वो बरकरार है इसके अंदर. एक अलग तरह के इमरान हाशमी इसमें दिखाई देंगे, लेकिन मतलब उन्होंने एक अच्छा काम किया अपनी तरफ से एज अ. फिल्म तो बहुत अच्छी लगी है. आज कुछ नया रूप देखने को मिला है इमरान हाशमी का. इमरान हाशमी बहुत अच्छे एक्टर थे, लेकिन आज जो फिल्म उन्होंने साइन की थी चीट इंडिया, चीट इंडिया में आज भारत के अर्थ, भारत के एजुकेशन सिस्टम को समझ में आया है कि आज कितने बच्चे इंजीनियरिंग और MBA कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट कॉलेजों में क्या चलता है. भारत के बहुत से बच्चों ने ये खुद बोला है कि हम चीट करते हैं, जैसा कि रेफरेंस में दिया हुआ था मार्च 2008 में टाइम्स ऑफ इंडिया में की न्यूज़ थी एक. तो ये सिस्टम को बंद करना चाहिए और जो इंस्टीट्यूट कॉलेजेस वगैरह है तो इसके जो चेयरमैन लोग हैं फिल्मों को देखना चाहिए और उन इसका सुधार करना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा. द फिल्म वाज ओके, जितना मैंने सोचा था कि जितनी मैं एक्साइटेड थी इमरान हाशमी को वापस स्क्रीन में देखने के लिए, वो एक्साइटमेंट तो ठीक है वो पूरी हो गई. बट द फिल्म दैट द मैसेज दैट इट्स गिविंग अबाउट आर डार्क द डार्क साइड ऑफ आर एजुकेशन सिस्टम, इट डज गिव द राइट मैसेज एंड आई होप इट ब्रिंग्स इन सम चेंज इन आर सिस्टम. जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी उस पर खरी नहीं उतर पाई, बट द मैसेज इज गुड ऑफ द फिल्म, बट फिल्म कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रैग है, थोड़ा सा निराश कर जाती है. चीट इंडिया मुझे 60-40 लगी, ज़्यादा खास नहीं लगी मेरे हिसाब से. मतलब इट्स एन ओके फिल्म, कंटेंट वाइज अच्छी थी बट मुझे वो कंटेंट पसंद नहीं है. इमरान हाशमी इज़ वंडरफुल, एक फ्रेम्स फर्स्ट फ्रेम से लेकर लास्ट फ्रेम तक ही हैज़ डन अ स्वेल जॉब एंड आई पर्सनली फील दैट नथिंग, आई मीन हिज एक्टिंग स्किल्स आर एक्चुअली इम्प्रूव, एक्टर थे ही बट दिस टाइम अगेन ही डिड नॉट रियली किस एनीबॉडी. एक सीन था जिसमें एक छोटा सा पेक था ऑन द लिप्स, बट दैट वॉजेंट, मतलब इतना कुछ जैसे मर्डर में कैसे 17 केसेस थे एंड ही वॉज फेमस फॉर दैट. उसके बाद सीरियल किसर का उनका एक रिनाउन हो गया था. इन दिस फिल्म आई थिंक ही इज़ नॉट, ही व्हाट यू कॉल दैट, रेजिस्टेड फ्रॉम दैट. ठीक ठाक है, ओके ओके लगी. ओके ओके, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट लगा फिल्म में आपको? मैं बिना पढ़ाई करे अपना दूसरों पेपर लीक हुआ वो लेके वैसे ऐसे पास होने का, वो सब नेगेटिव है. इमरान हाशमी की एक्टिंग में असल में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इमरान हाशमी, जितने भी इससे पहले जो रोल्स की है जैसे कि जन्नत, मर्डर, उसमें कुछ अलग केमिस्ट्री थी और अभी कुछ अलग केमिस्ट्री देखने को मिली है, तो इमरान हाशमी और सब बहुत अच्छी एक्टिंग की है. इमरान इज़ अमेजिंग, व्हाट अ परफॉर्मेंस, सब कुछ बहुत बढ़िया था, बस अगर स्टोरी थोड़ी और क्रिस्प हो जाती तो बात अलग थी. मतलब प्रॉब्लम पर ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया रादर देन गिविंग अ सोल्यूशन. सो वेल, इमरान हाशमी के हमने सारे फिल्म्स देखे हैं एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम. सो उनके जितने भी पिक्चर्स मैंने देखी है उसके हिसाब से ही कुड हैव डन मच बेटर, बट इट्स ओके, आई स्टिल एक्सेप्ट इट बिकॉज़ इट्स इमरान हाशमी. उनकी एक्टिंग तो पहले से अच्छी है, अभी भी बहुत ही अच्छी है. मतलब एंटरटेनिंग बहुत, जैसे बोलते हैं कि एंटरटेनिंग टाइप की जो फिल्म है वैसी नहीं है,
मगर एक 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 थोड़ा बांधे रखती है, कहीं कहीं पर थोड़ा रिपीटेटिंग लग रहा था एक्चुअली, कहीं पर कहीं मुझे लगा कि थोड़ी प्रोडक्शन वैल्यू में शायद थोड़ी सी कमी लग रही थी ऐसा करके एक छोटे से, पर ओवरऑल जो एक हमारे जो वर्ग है हमारे इंडिया में किस तरह से एक्चुअली जो पूरा सिस्टम चलता है, मतलब ऐसे भी बताया गया कि जो प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पर तो कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं एक्चुअली, उसका परिणाम कैसे होता है, कोचिंग क्लासेस कैसे चलती है, कैसे लोग पैसे बनाते हैं, और फिर खास करके छोटे शहर से अगर बड़े शहर में आप आते हो, अगर इंजीनियरिंग की डिग्री हो MBA की डिग्री हो तो उसके लिए पैसे किस तरह से, तो टोटल जो किस तरह से एक्चुअली जो ये पूरा सिस्टम चलता है अंदर पैसे और फिर पॉलिटिकल पावर हो, तो वो ये पूरा फिल्म में एक्चुअली दर्शाया गया है। बोरिंग तो नहीं थी, थोड़ी स्ट्रेच थी, बट इट्स ओके, आई थिंक इट्स फाइन एज फार एज इट्स गिविंग द मैसेज दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज सपोज टू बी स्प्रेडिंग अवेयरनेस। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको पता नहीं है कि ऐसी चीज़ें भी होती है, तो उनको इस फिल्म के द्वारा वो चीज़ पता चल जाएगी। एंटरटेनमेंट के हिसाब से तो आई डोंट काउंट दिस फिल्म एंटरटेन। बोरिंग इसलिए लगी, फिल्म में डायलॉग्स थे बीच बीच में, काफ़ी दमदार डायलॉग्स थे, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट था उसे काफ़ी ड्रैग किया गया, सो वहाँ एक थोड़ा सा बोरिंग फैक्टर आता है कि वाई दिस इज इतना क्यों दिखाया गया। थोड़ा बहुत बोरिंग लगा, पर एंड में ट्विस्ट मस्त था और उसका एंटरटेनिंग था। ओ दे वर ऑल अमेजिंग, कास्टिंग वॉज वेरी गुड, परफॉर्मेंसेज वर वेरी गुड, बट हाँ कहीं ना कहीं स्टोरी में थोड़ा सा ड्रैगनेस लग रहा था। I'll give 3 stars. मैं 3 stars देना चाहूँगा। 2.5. I'd give it 3, just 'cause Imran Hashmi, yeah. 2.5.